अगर आप इस गाड़ी को ये 2023 एंडिंग के टाइम पे परचेस करते हो तो अभी फिलहाल आप 1,15,000 रुपया आपको इस गाड़ी के साथ डिस्काउंट इंस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है भैया, बहुत अच्छी डील है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बस थोड़ा सा टच करेंगे ना, ये क्लिप को हटाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। दोस्तों आजकल क्या चल रहा है ना, दुनिया भर में जो चीज हो रहा है, पहले जो ब्रांड है वो नॉर्मल वाला गाड़ी लेके आते हैं मार्केट में, उसके बाद उस गाड़ी को थोड़ा सा बेच देते, जैसे उसके सेल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं, फिर दोबारा से उस गाड़ी का हाइप क्रिएट करने के लिए कंपनी क्या कर रहे हैं, आजकल एक ब्लैक एडिशन नाम की एडिशन लेके आ रहे हैं। एमजी की जो सबसे ज्यादा प्रीमियम गाड़ी है एमजी ग्लॉस्टर, ये ग्लॉस्टर के साथ भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है, ये ब्लैकस्टॉर्म नाम की एडिशन लॉन्च किया है एंड गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्टनिंग दिखाई दे रहा है। मैं पिछले बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि जो फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर का हाइप तो मार्केट में है, लेकिन फॉर्च्यूनर से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको एमजी ग्लॉस्टर ही देखने को मिलता है। तो क्या कुछ गाड़ी के अंदर आपको चेंज हुआ है वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखाएंगे गाड़ी की चाबी, बहुत बड़ी गाड़ी है लेकिन चाबी बहुत छोटा सा है, क्यूट सा, इसमें काफी सारा फिजिकल बटन भी है एंड रिमोट की है कंप्लीटली। पीछे एमजी का जो लोगो है वो देखने को मिलता है एंड चाबी का जो साइज है ये काफी छोटा सा है, लेकिन गाड़ी बहुत ही ह्यूज मिलेगा आपको। एंड ब्लैकस्टॉर्म नाम की ये जो एडिशन है इसके अंदर बेसिकली आपको कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलता है। क्या कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है, पहले आप सामने आ जाइए। सामने यहाँ पे आपको जो बम्पर प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा ब्लैक तो है, लेकिन ब्लैक के साथ साथ यहाँ पे रेड कलर का एक इंसर्टिंग ऐड हुआ है जो दिखने में ज्यादा स्पोर्टी आपको समझ में आएगा। सामने फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर स्पोर्ट देखने को मिलता है एंड ये बहुत ही काम का चीज है, सेफ्टी की बात को ध्यान में रखते ऐसे डिजाइन होता है। और एक चेंजेस आपको ग्लॉस्टर के अंदर, ये ब्लैकस्टॉर्म के अंदर खास करके देखने को मिलेगा, आपको फ्रंट जो ग्रिल है इसके पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरा ही चेंज है इसके जो पैटर्न है कंप्लीटली, आपको मतलब थोड़ा सा हानिकॉम टाइप दिखाई दे रहा है लेकिन हानिकॉम एग्जैक्टली नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बर्फी टाइप डिजाइन के साथ दिया जा रहा है, काफी बहुत बढ़िया दिखने की, बहुत बढ़िया लुकिंग के साथ आने वाले। बेसिकली फ्रंट पे कैमरा मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा के साथ गाड़ी आएगा, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। एमजी की तरफ से जितने भी कार्स आते हैं सबसे ज्यादा प्रीमियम कार आपको ग्लॉस्टर ही देखने को मिलता है, इसकी प्राइसिंग भी अच्छा खासा ही है, फॉर्च्यूनर का टक्कर में आता है लेकिन फॉर्च्यूनर से ज्यादा साइज में बड़ी है। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर प्रीमियमनेस मुझे कहीं ना कहीं लगता है फॉर्च्यूनर से ज्यादा ही है। तो चलिए यहाँ पे और चेंजेस दिखा देते हैं। जैसे ब्लैकस्टॉर्म को चूज करेंगे आपको हेडलैम्प यूनिट तो एग्जैक्टली सिमिलर नॉर्मल वाला ही आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको लो बीम बाहर की तरफ, हाई बीम आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगा, कंप्लीटली प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी है। लेकिन चेंजेस कहाँ पे भैया, चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेड कलर के कॉस्मेटिक चेंजेस है जो दिखने में ज्यादा प्रीमियम आपको समझ में आएगा। ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे DRL प्लेस्ड है, ये DRL आपको टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, एक बार आपको दिखा देते हैं। अब जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर जो DRL था वो टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। गाड़ी के अंदर पूरा ही LED सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है एंड यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना आपको फुल LED टेक लिखा हुआ इसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे आपको मर्सिडीज गाड़ी के अंदर लिखा हुआ मिलता है, BMW के अंदर लिखा हुआ मिलता है, ऐसे आपको MG के अंदर भी देखने को मिलेगा। हो भी ना क्यों, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। सामने और कुछ चेंजेस नहीं है, MG का बहुत ही ह्यूज एक लोगो है, जैसे आपको हर एक MG कार के अंदर लोगो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी साइज में दिया जाता है, दिखने में भी गाड़ी की ओवरऑल लुक के साथ बहुत स्टाइलिश दिखाई दे रहा है। सामने जैसे मैंने आपको बताया ये बम्पर कंप्लीट ब्लैक है विथ रेड इंसर्टिंग, यहाँ पे आपको इसके अंदर जो LED लाइट्स वगैरह दिया जा रहा है इसके अंदर भी रेड कलर की इंसर्टिंग देखने को मिलता है, पूरा ब्लैक कलर में गाड़ी आएगा, ग्लॉस ब्लैक में आता है, बहुत ज्यादा स्टनिंग तो दिखाई देगा। साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो चेंजेस समझ में आएगा, ये जो व्हील है कंप्लीटली ब्लैक कलर के साथ आएगा, ग्लॉस ब्लैक है, मैट नहीं है, पाउडर कोटेड भी नहीं है, लेकिन ये ब्लैक कलर के साथ गाड़ी का ओवरऑल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। आप MG के लोगो देख सकते हो, ये क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आएगा एंड यहां पे देखेंगे ना आपको जो ब्रेक कैलिपर ऑफर किया जा रहा है ये कंप्लीटली आपको रेड कलर के साथ रेड इंसर्टिंग आएगा। यहाँ पे गुडियर का टायर ऑफर किया जा रहा है, टायर की जो साइज है आपको यहाँ पे जो टायर साइज ऑफर किया जा रहा है ये भी काफी ह्यूज है, आपको 255 R19 दैट मीन्स 19 इंच की व्हील प्रोवाइड किया जा रहा है। टायर की जो प्रोफाइल है काफी बढ़िया है एंड यहाँ पे ट्यूबलेस टायर आएगा, ABS आएगा, EBD आएगा एंड इसके साथ साथ आपको TPMS सिस्टम भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है। अब इस गाड़ी के साथ आप साइड प्रोफाइल पे और भी काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता है। पहली बात आप यहाँ पे ORBM देखेंगे तो ये ORBM आपको यहाँ पे ब्लैक आउट तो आएगा लेकिन थोड़ा सा रेड कलर के इंसर्टिंग भी ऐड किया जाते हैं, बेसिकली ब्लैकस्टॉर्म एडिशन होने की वजह से ये चीज की गई है। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रिट डायनामिक लिखा हुआ है, ये स्टाइलिश देखते हैं, छोटा सा एक बैजिंग है, बेसिकली गाड़ी जहां से ओरिजिन हुआ है ये ब्रिटेन से हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रिट डायनामिक लिखा हुआ दिखेगा। और देखेंगे तो आपको यहाँ पे फुटस्टेप प्रॉपरली दिया जाता है, गाड़ी मैसिव है, ह्यूज कार है, तो आपको चढ़ने उतारने के लिए आपको फुटस्टेप
बहुत ही ज्यादा नीडेड चीज है आपको। और एक चीज इस गाड़ी के साथ शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज फिटेड नहीं है, लेकिन साइड पे डोर क्लैडिंग आपको जो दिया जाता है इस गाड़ी के साथ, वहां पे भी ब्लैक के साथ रेड कलर की इंसर्टिंग कंप्लीमेंटरी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल आपको इस गाड़ी के साथ देखने को नहीं मिल रहा है। अब पीछे आ जाइए और कहां पे चेंजेस आपको दिखा देते हैं। अब पीछे आते आते और एक चीज आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो व्हील ऑफर किया जा रहा है ये भी आपको ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पे रेड कलर की कैलिबर भी देख सकते हो। यहाँ पे डिस्क ऑफर किया जा रहा है, चारों व्हील के अंदर आपको डिस्क ऑफर किया जा रहा है प्रॉपरली, हो भी ना क्यों, क्योंकि गाड़ी का प्राइस भी बहुत हाई है और प्रीमियम गाड़ी है सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे इसके डायमेंशन देखेंगे तो गाड़ी की ओवरऑल जो लेंथ है ये 5 मीटर के आसपास है, बस 15 mm छोटी है 5 मीटर से, मतलब ह्यूज गाड़ी है भैया, फॉर्च्यूनर से ज्यादा बड़ी है, हाइट भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा है। जी हाँ, इसकी जो हाइट है ये भी फॉर्च्यूनर से बड़ी है, इसकी जो लेंथ है ये भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा है। गाड़ी के अंदर सनरूफ भी आते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्च्यूनर का वोकल इंडिया के अंदर ज्यादा है। मुझे लगता है अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो ना 50 lakhs के आसपास, तो वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, मतलब जितना पैसा खर्च कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी के रूप में आपको वापस करना चाहिए, जो इस गाड़ी के साथ आपको फिलहाल बहुत सारा देखने को मिलता है। अच्छा, ये पीछे दिखा देता है। अगर आप इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल भी देखेंगे तो काफी बढ़िया लुकिंग के साथ गाड़ी आने वाला है। यहाँ पे जो आपको मेन लाइट सेटअप देखने को मिलता है रेड कलर के साथ, कंप्लीट LEDs आएगा, कहीं पे भी हैलोजन का यूज नहीं की गई है। टर्न इंडिकेटर आपको कुछ यहाँ पे प्लेस्ड देखने को मिलेगा। और एक बात, आपको इंटरनेट इनसाइड का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। MG के हर एक गाड़ी के साथ आपको ये वाला ब्रांडिंग जरूर देखने को मिलता है। तो ग्लोस्टर के साथ कहाँ पे आपको ये चीज डिफरेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन ये चीज क्रोम के साथ नहीं, कंप्लीट ब्लैक आएगा। और अटेंशन टू डिटेलिंग देखिए, ये जो आई है ना ये रेड कलर के साथ दिया जा रहा है, ब्लैक स्टॉर्म है, इसीलिए आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। और इस गाड़ी के साथ रियर प्रोफाइल में और कुछ खास चेंजेस नहीं मिलता है। और हाँ, और एक चीज आपको टेलगेट ओपन करके हमने नहीं दिखा है, वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट बटन आता है, जैसे इसको प्रेस करेंगे और पीछे हट जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ओपन होने वाला है। कंप्लीट हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ आने वाला है एंड 7-सीटर कैपेबिलिटीज के साथ गाड़ी है, ह्यूज स्पेसियस है गाड़ी। और पीछे देखेंगे ये थर्ड रो जो है ना ये भी काफी लग्जरियस है, एंड इसको फोल्ड जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे काफी सारा स्पेस आपको मिल जाएगा। जैसे दोनों सीट को एक साथ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको ह्यूज स्पेस मिलेगा। कंपनी जितना क्लेम कर रही है 363 liter की बूट स्पेस कंपनी की तरफ से क्लेम्ड है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जैसे आप दोनों सीट को फोल्ड करेंगे और भी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। लोडिंग लिप यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी लोडिंग लिप वगैरह नहीं मिलेगा। इसके नीचे देखेंगे तो आपको टूल किट, स्टिपनी, ये सब देखने को मिलता है। इसकी जो स्पेयर व्हील है नीचे प्लेस्ड होता है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लगेज लैंप मिलेगा। दोनों तरफ हुक भी ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पे ना ध्यान से देखेंगे तो आपको ना दोनों तरफ कप होल्डर भी देखने को मिलता है। ये कप होल्डर बेसिकली थर्ड रो पे जो पैसेंजर बैठेगा उसकी कंफर्ट के हिसाब से डिजाइन की जाती है। और ऊपर देखेंगे तो AC वेंट्स भी आपको रूफ के ऊपर देखने को मिलते हैं, ये थर्ड रो पैसेंजर के लिए स्पेशल है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लैंप भी दिया जा रहा है, ये लैंप बेसिकली गाड़ी बंद है तो इसलिए ऑन नहीं होगा, लेकिन ये लैंप थर्ड रो पे जो पैसेंजर बैठेगा उसकी कंफर्ट के हिसाब से एंड उसकी जरूरत के हिसाब से डिजाइन की गई है। और जैसे भी इसको बंद करेंगे ना, बंद करने के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बटन आता है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे और पीछे हट जाएंगे तो ये जो लीड है ये ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, आपको ज्यादा तकलीफ वगैरह नहीं होगा। चलिए, अभी पीछे जो चीजें था वो सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको, और कोई शिकायत आपको होने की कोई बात है नहीं। गाड़ी के सामने भी जो जो चीजें मिलते हैं वो भी सब कुछ दिखा दिया। गाड़ी के डायमीटर भी, मतलब डायमेंशन वगैरह बहुत ह्यूज है। इंटीरियर पे काफी सारे टेक्नोलॉजी लोड कर दी गई है, चलिए वो सब दिखा देते हैं, आ जाइए। ग्लोस्टर की जो इंटीरियर आपको मिलेगा, ये इंटीरियर पे कोई भी टेक्निकल चेंजेस आपको नहीं मिलता है। जी हाँ, कोई भी टेक्निकल चेंजेस वगैरह नहीं है। जो चेंजेस इस गाड़ी का कॉस्मेटिक चेंजेस ही है। तो यहाँ पे जैसे आप इंटीरियर देखेंगे तो पूरा जो इंटीरियर है, आपको अगर याद होगा तो ग्लोस्टर जो रेगुलर वाला आता है उसके इंटीरियर पे यहाँ पे टैन कलर की फिनिशिंग आता है ब्लैक के साथ, लेकिन अभी यहाँ पे जितना भी लेदर का काम आपको देखने को मिलेगा ये कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है। और ये ब्लैक कलर ग्लोस्टर की ये ब्लैक स्टॉर्म के साथ कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। गाड़ी के अंदर सनरूफ भी आता है, स्क्रीन भी काफी बड़ा साइज का मिलेगा, कोई भी लैगिंग वगैरह मुझे खास महसूस नहीं हुआ है। एक बार आपको ऑन करके भी दिखा देंगे। एंड इंटीरियर पे यहाँ पे देखेंगे सेंटर कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेन मोड भी दिया जा रहा है। एक बार आपको सब कुछ दिखा देंगे तो पूरा इंटीरियर का जो फील है आपको कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट देखने को मिलेगा। और ये ब्लैक्ड आउट इंटीरियर के साथ आपको गाड़ी कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। यहां पे दिखाया जाए ना, आप तो यहां पे भी देख लीजिए, दोनों तरफ ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों तरफ ही आपको 6-way एडजस्टमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक सीट हाइट एडजस्टमेंट या फिर पीछे आगे जाने के सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक बटन के साथ आएगा। एंड मेमोरी फंक्शन भी आपको यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट वेंटिलेटेड सीट्स आपको गाड़ी के साथ आने वाला है दोनों तरफ। आप ड्राइवर साइड देखेंगे या फिर को ड्राइवर साइड देखेंगे,
दोनों तरफ ही आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी आएगा एंड इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन वगैरह ऑफर किया जा रहा है भैया। इतना प्रीमियम बात आपको ग्लॉस्टर के साथ देखने को मिलता है। अगर आप गाड़ी का इंटीरियर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जा रहा है ये स्टीयरिंग व्हील आपको कंप्लीटली ब्लैक आउट मिलेगा। और यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह देखेंगे ना तो यहाँ पे रेड कलर का आपको यहाँ पे स्टिचिंग मिलने वाले कंप्लीटली रेड कलर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन हर एक जगह पे अटेंशन टू डिटेलिंग गाड़ी का काफी कमाल की देखने को मिलता है। आप यहाँ पे दोनों तरफ पैडल शिफ्टर्स भी देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए। बेसिकली ग्लॉस्टर जो आने वाला है ये आपको ऑटोमेटिक के साथ ही आता है, कोई भी मैनुअल का ऑप्शन आपको ग्लॉस्टर के साथ मतलब शुरुआत से ही नहीं दिया जाता है, पूरा ऑटोमेटिक के साथ आएगा। एंड ये 8-speed ऑटोमेटिक सिस्टम गाड़ी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दो ऑप्शन मिलता है, एक आपको 2-wheel ड्राइव का ऑप्शन मिलता है और दूसरा आपको 4-wheel ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। तो हमारे पास ये जो गाड़ी है आपको 4-wheel ड्राइव के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे सेंटर कंसोल की तरफ देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे जो जो चीजें मिलेगा कंप्लीटली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक लीवर ऑफर किया जा रहा है, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव पोर्ट्स मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको हील होल्ड असिस्ट ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की बटन, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, पार्किंग बटन आपको यहाँ पे एंड लेन चेंज के लिए जो असिस्टेंस वगैरह की बटन वगैरह ऑफर किया जा रहा है सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मोड सिलेक्टर ऑफर किया जा रहा है, मोड सिलेक्टर मतलब टेरेन मोड आने वाले गाड़ी के साथ आपको काफी सारे मोड्स आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे रॉक मोड आएगा, सैंड मोड आएगा, मड मोड ऑफर किया जा रहा है, स्नो मोड ऑफर किया जा रहा है, स्पोर्ट्स मोड ऑफर किया जा रहा है, इको मोड्स ऑफर किया जा रहा है एंड यहाँ पे बीच में देखेंगे तो ऑटो मोड्स का ऑप्शन भी ऑफर किया जा रहा है। मैंने गाड़ी को ना यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड पे डाल दिया हूं, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड। जैसे आप यहाँ पे और चेंज करेंगे, ये स्नो मोड पे डाल दिया मैं अभी, तो यहाँ पे देख लीजिए स्नो मोड एक्टिवेटेड। और इसके साथ साथ मड मोड पे जैसे आप घुमाएंगे ये मड मोड भी एक्टिवेटेड हो गया, देख लीजिए मड मोड। एंड और घुमाएंगे ये नॉब को तो आप सैंड मोड भी देख सकते हो, इसके साथ साथ रॉक मोड भी ऑफर किया जा रहा है। एंड इसके साथ यहाँ पे और घुमाएंगे तो इको मोड भी एक्टिवेट हो जाता है, इको मोड पे आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दोनों तरफ स्प्लिट ऑफर किया जा रहा है। प्रीमियम गाड़ी के ये सब पहचान होते हैं, एक शॉर्टर आर्मरेस्ट मिलेगा जिसको आप ऐसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर स्पेस मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा, आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काफी डीप एक स्पेस मिलेगा दोनों तरफ। एंड यहाँ पे पूरा जो आपको यहाँ पे इसके अंदर जो थीम है ये ब्लैक बेस्ड ऑफर किया जा रहा है। बेसिकली आपको यहाँ पे टैन कलर के साथ होता है एंड गाड़ी जैसे आप ब्लैक स्टॉन चूज करेंगे तो पूरा ब्लैक कलर के साथ आएगा। मैंने और एक चीज दिखाना भूल गया, यहाँ पे जो टच स्क्रीन ऑफर किया जा रहा है वो एक बार आप देख लीजिए। आ जाइए यहाँ पे टच स्क्रीन जो ऑफर किया जा रहा है काफी ह्यूज है एंड इसके अंदर से आपको ना कोई भी लैगिंग वगैरह समझ में नहीं आएगा। 360 डिग्री कैमरा आने वाला है, कैमरा की जो रिजोल्यूशन है ये लेकर मुझे शिकायत है क्योंकि गाड़ी 50 लैक्स के आसपास आने वाला है, यहाँ पे कैमरा रिजोल्यूशन में सुधार होना चाहिए। 3D का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे आप 3D में ऑन करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3D मोड एक्टिवेट हो चुका है। घूम क्यों नहीं रहा मुझे पता नहीं है। बेसिकली कैमरा के अंदर ह्यूज एक अपडेट की जरूरत है, गाड़ी 2D में भी आप जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2D में दिखाई देगा। कैमरा की जो वाइड एंगल है ये ज्यादा है लेकिन इसकी रिजोल्यूशन लेकर मुझे शिकायत है ये और चेंजेस होना चाहिए क्योंकि गाड़ी बहुत महंगा आने वाला है, मतलब प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी है, महंगा नहीं बोलूंगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं दिया जा रहा है, हाँ इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आता है लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर मोड सिलेक्टर काफी सारा दिया जा रहा है, गाड़ी की पावर एंड टॉर्क फिगर की ह्यूज है लेकिन आपको एक बार बोनेट ओपन करके दिखा देते हैं वहां पे क्या मिलते हैं। चलिए इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ग्लॉस्टर के साथ मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आता है यहाँ पे ना, इसकी जो ये वाला लीड है सामने की ये हाइड्रोलिक के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, जो स्कॉर्पियो एन है उसके साथ कोई भी हाइड्रोलिक वगैरह नहीं आता है, वो भी काफी महंगा गाड़ी है और इसकी कंपटीशन में कहीं ना कहीं आता है। जी हाँ, प्राइस के अंदर काफी सारा डिफरेंस है लेकिन स्कॉर्पियो एन के साथ भी होना चाहिए था, वहां पे तो नहीं दिया जा रहा है लेकिन ग्लॉस्टर आपको ये चीज डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे बस थोड़ा सा टच करेंगे ना, ये क्लिप को हटाएंगे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, इंसुलेशन प्रॉपरली आप देख सकते हो, गाड़ी मैसिव एक डीजल इंजन के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको MG ट्विन टर्बो की ब्रांडिंग मिलेगा। जी हाँ, गाड़ी की जो इंजिन है ये आपको टर्बो इंजिन में प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आपको 2 लीटर का एक डीजल इंजिन प्रोवाइड किया जा रहा है जहां से आपको पावर एंड टॉर्क काफी ह्यूज देखने को मिलते हैं क्योंकि 478.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगा। जी हाँ, 2 लीटर इंजन के साथ 480 के आसपास आपको टॉर्क मिलने वाले है, मतलब बहुत ह्यूज टॉर्क है। एंड पावर फिगर भी देखेंगे तो वो भी कहीं से भी पीछे नहीं है, डीजल इंजन है लेकिन आपको 212.5 bhp का पावर देखने को मिलते हैं, मतलब पावर एंड टॉर्क फिगर गाड़ी का बहुत ही ह्यूज है, पावर लैगिंग आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला। गाड़ी के साथ आपको अलग अलग टेरेन मोड्स भी प्रोवाइड किया जा रहे हैं, मतलब आप स्नो में फंस गए हो या फिर सैंड के अंदर फंस गए तो वहां से बाहर कौन निकलेगा, भाई यही इंजन निकालने वाला है क्योंकि यहाँ पे पावर लैगिंग या फिर टॉर्क के अंदर कोई भी कमी वगैरह आपको नहीं महसूस होने वाले। चलिए इसको बंद कर देते हैं, सॉफ्ट क्लोजर है आप देख लीजिए, ऐसे प्रेस करेंगे तो बंद हो जाता है। चलिए फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपकी बजट 50 लाख के आसपास है, आप कंफ्यूज्ड, आपको फॉर्च्यूनर लेना चाहिए या फिर MG की
ये ग्लोस्टर लेना चाहिए, स्पेशली ब्लैकस्टॉर्म के साथ ज्यादा अच्छा रोड प्रेजेंस आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। गाड़ी की अगर आप ओवरऑल लाइट रिस्पॉन्स देखेंगे तो ये भी काफी कमाल की, कंप्लीटली एलईडी है, नाइट के टाइम पे काफी अच्छी तरीके से थ्रो प्रोवाइड करने वाला है। टेक लोडेड गाड़ी है भाई, हर एक जगह पे टेक्नोलॉजी भर भर के डाली गई है। आपको यहाँ पे ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ भी दिया जा रहा है, मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर जो जो फीचर्स एंड सिस्टम वगैरह दिया जा रहा है ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आप फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर करेंगे तो गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन भी काफी ह्यूज है, मतलब यहाँ पे रोड प्रेजेंस लेकर भी आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है। गाड़ी की जो प्राइसिंग है ये आपको 48 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ने वाले हैं, कोलकाता के हिसाब से मैंने बताया। इस गाड़ी के साथ आपको एक्सट्रीम प्राइस जो मिलेगा 43 लाख के आसपास इसकी एक्सट्रीम प्राइस है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस गाड़ी को ये 2023 एंडिंग के टाइम पे परचेस करते हो तो अभी फिलहाल ग्लोस्टर के साथ एक ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप 1,15,000 रुपया आपको इस गाड़ी के साथ डिस्काउंट इंस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है भैया, बहुत अच्छी डील है। अगर आपकी बजट फॉर्च्यूनर के आसपास है तो आप ग्लोस्टर लेके जाइए, आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, कोलकाता से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो और इस गाड़ी की परचेस करने के बारे में सोच रहे हो या फिर एमजी की कोई भी कार परचेस करना है तो कोलकाता के अंदर एक लौता एमजी का शोरूम है, आप यहाँ पे देख लीजिए, हाईटेक एमजी का शोरूम है, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।